हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको ये मेरे पास गुलाब का प्लांट है जिसको मैं आपको ये दिखाऊंगी कि इसके जो फूल निकले हुए हैं और ये बड्स बने हुए हैं जो फूल खिल के ख़त्म हो चुके हैं बड्स, ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से काफ़ी मात्रा में हैं। अगर मैं इसकी प्रूनिंग कर दूंगी तो जो ये नए बड्स निकल रहे हैं इस प्रकार से नए बड्स, तो वो काफ़ी मात्रा में निकलेंगे। इस प्रकार से अगर ये नई टहनी नए पत्ते निकल रहे हैं तो मैं जितने इसको काट दूँगी एक्स्ट्रा को उतना ही अच्छा है इस प्लांट के लिए। इस प्रकार से आप जैसे ये पत्ता है यहाँ से अगर आप काट देंगे, ये इस टहनी को आप ये यहाँ, तो आप देखेंगे ये मैं सारे प्लांट की प्रूनिंग करके आपको रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे पास मैक्सन पटूनिया के ये गिर गए थे, ये आप देख रहे हैं इसके फलियाँ भी गिर गई थी, वो मैं ड्रो करके दिखाऊंगी। और ये मैक्सन पटूनिया को भी मैं निकाल दूँगी यहाँ से और मैं इसकी रिपोर्टिंग करके दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ से गमले से ये निकाल दिया है प्लांट और मैं आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर दी है इसकी, बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो आप देखेंगे अगर आप डी बडिंग कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके फ्लावर जो ये समर में आने वाले फ्लावर हैं वो आपको बहुत अच्छे बड़े बड़े फूल देंगे। इस प्रकार से आप गुलाब की कटिंग कर दें, ये सितंबर और फरवरी के महीने में करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब गर्मी इतनी पड़ने लगी है कि आप अगर अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के शुरुआत में भी बना करते हैं तो आपको ये विंटर में बहुत अच्छे फ्लावर देंगे और बहुत बड़े बड़े फूल आएंगे। और आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें। अब ये सब मैंने बड्स उतार दिए, जो ये बड बचा है ये भी मेरे हिसाब से उतर जाना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ ये आप देख रहे हैं बिल्कुल जड़ और ये डी बडिंग हो गई है। और ये रोज़ की एक टेक्निक है कि रोज़ को आप कितना बड़ा फूल चाहते हैं और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रूनिंग कर दें। और ये समय बहुत ही बढ़िया है अगर आप अक्टूबर के लास्ट में भी करते हैं या नवंबर के शुरुआत में भी करते हैं मेरे हिसाब से वो भी ठीक है, और फरवरी के एंड में भी कर देंगे तब भी आपके गुलाब के फूल बहुत अच्छे आएंगे। अब मैंने ये गमला तैयार कर दिया है, ये मैंने बड्स सारे निकाल दिए हैं और ये ऑलरेडी मेरा गमला तैयार है। इस गमले में मैं लगा के इसको वाटरिंग कर दूंगी और दो दिन मैं इसको बिल्कुल छाया वाले प्लेस पे रखूंगी, उसके बाद इसको पूरी बढ़िया धूप चाहिए गुलाब के प्लांट को, तो आप देखेंगे कि हमारी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। इस प्रकार से आप इसकी और जड़ों को आप अच्छी तरह से आपकी डी बडिंग की हुई जो सॉयल है उसमें आप देखेंगे कि उसके बाद आपके गुलाब के फूल की फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। इस प्रकार से आप इसको वाटर दे दें। वैसे मैंने जब मैंने गमला तैयार किया था तब मैंने पूरा वाटर इसमें डाल दिया था, वैसे इसको ज़रूरत नहीं है मगर मैं आपको दिखाने के लिए इसमें वाटर डाल रही हूँ। और आप गुलाब के मैंने सभी जो मेरे प्लांट हैं उनमें मैंने डीबडिंग कर दी है, डीबडिंग करके मैंने रिपोर्टिंग भी कर दी है ताकि जड़ को थोड़ी सी हवा लगती रहे और जड़ की जो मिट्टी है वो रिन्यू होती रहे। बस मेरा सिर्फ यही वजह होती है कि मैं अपने गमले में जब भी मैं अपना प्लांट निकालती हूँ तो मैं रीप्लांटिंग साथ के साथ करती रहती हूँ। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।